पहली शायरी मुंसलिक है तस्वीर उनकी, मुंसलिक है तस्वीर उनकी, मुंसलिक का मतलब होता है अटैच, मुंसलिक है तस्वीर उनकी इस जिंदगी के आईने में कि कभी अक्ष में ही सही, अक्ष का मतलब रिफ्लेक्शन, कि कभी अक्ष में ही सही उनसे मुलाकात तो मुकम्मल हो जाए। दूसरी, आसान नहीं ये सफर, आसान नहीं ये सफर नाचीज से अलमास बनने का, आसान नहीं ये सफर नाचीज से अलमास बनने का कि अरसे बीत जाते हैं किसी की यादों को कागज में समेटने के लिए। मौजूदा मौजूदा था वो आलम, मौजूदा का मतलब मिरेकल, मौजूदा था वो आलम तेरी मेरी जुदाई का, मौजूदा था वो आलम तेरी मेरी जुदाई का कि तेरे जाते ही कलम से मेरा इख्तिलात हो गया। इख्तिलात का मतलब होता है यूनियन। अब एक और, बेशक बेशक एक मौजूदा आलम होता है इश्क होना, बेशक एक मौजूदा आलम होता है इश्क होना, दूसरों के बजाय कभी खुद से दिल लगा के तो देखो। आखिरी शेर, ये किसकी मजार है, मजार का मतलब होता है ग्रेव, ये किसकी मजार है जान जाएगी ये कायनात के मुसन्निफ, कायनात के मुसन्निफ का मतलब कम्युनिटी ऑफ राइटर्स ऑथर्स या एडिटर्स, ये किसकी मजार है जान जाएगी कायनात के मुसन्निफ, बस मेरे हाथों को कलम से सजा कर, बस मेरे हाथों को कलम से सजा कर कफन पे अलमास लिख देना।